स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो सबसे पहले हम सर्कुलेशन को समझ लेते हैं सर्कुलेशन का मतलब ये होता है चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना द मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट थ्रू अ सर्किट इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सर्कुलेशन सर्किट का मतलब ये होता है कि एक साइकिल की तरह ये प्रोसेस रिपीट हो रहा होता है यानी कि एक दफ़ा चीज़ों की मूवमेंट हो गई है तो फिर दोबारा से नहीं होगी बल्कि ये कंटिन्यूसली एक रिपीटिंग प्रोसेस है अब हमारी बॉडी में चीज़ों की मूवमेंट के लिए जो सिस्टम काम कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और ये हमारी बॉडी में एक जाल की तरह बिछा हुआ सिस्टम होता है इस जाल को या इन पाइप्स को हम बोल रहे होते हैं चैनल्स या वेसल्स विच सर्कुलेट द सर्कुलेटरी फ्लूइड अब इन पाइप्स के अंदर क्या घूम फिर रहा होता है कौन सी चीज़ सर्कुलेट कर रही होती है इसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड जो कि या तो ब्लड हो सकता है या लिम्फ हो सकता है आर अदर सब्सटांसिज थ्रू आउट द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड या लिम्फ के ज़रिए हमारी बॉडी में मूवमेंट करती रहती है तो उसमें से एक है न्यूट्रिएंट्स जिस तरीके से ग्लूकोज है माइनो एसिड्स वगैरह फैट्स वगैरह गेसिस फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाईऑक्साइड एंड ऑक्सीजन हारमोन्स की ट्रांसपोटेशन होती रहती है इसके अलावा नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटांसिस लाइक इमोनिया यूरिया यूरिक एसिड हम ब्लड सेल्स मतलब कि आई डी सीज है डब्ल्यू बी सीज़ हैं या प्लेटलेट्स उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है या जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटीरियल बनते हैं तो वो भी इसी ब्लड या लिम्फ के जरिए बॉडी uh, में मूवमेंट कर रहे होते हैं अब हम इन सर्कुलेटरी सिस्टम का फ़ायदा देख लेते हैं कि ये हमारी बॉडी को क्या फ़ायदा दे रहा होता है तो इट प्रोवाइडिंग यूजफुल सब्सटेंसेस टू द सेल सेल की जो भी रिक्वायरमेंट्स है मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उसको ऑक्सीजन चाहिए अपने मेटाबॉलिज्म के लिए तो वो इसी सर्कुलेटरी uh, फ्लूड के जरिए उसको सप्लाई हो जाता है रिमूविंग हार्मुल सब्सटांसिस फ्राम द सेल या सेल के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल बनते हैं जो भी टॉक्सिक मटेरियल बनते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे सेल से ऑब्वियसली वो सेल से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे वो इसे सर्कुलेटरी फ्लूड के अंदर ऐड हो जाएंगे और फिर वो सर्कुलेटरी फ्लूड ही उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इट स्टेबलाइजेज़ज़ज़ज़ज़ द बॉडी टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन तो ज, जो हीट है उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है हमारी बॉडी में क्योंकि वो ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाती है हीट और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है जहाँ पर ज़रूरत है तो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ जरूरत से ज़्यादा हीट हो गई है तो वहाँ से रिमूव हो जाती है इट स्टेबलाइज पी फॉर होम्योस्टाइसिस कहीं पर हमें एसिडिक इन्वामेंट चाहिए होता है कहीं पर कहीं पर हमें न्यूट्रल कहीं पर हमें अल्कलाइन तो इन स्पीच को मेनटेन रखने के लिए भी अपनी ब्लड काम कर रहा होता है इसके अलावा जो सर्कुलेटरी फ्लूड है जिस तरीके से ब्लड है या लिम्फ है दोनों हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते रहते हैं मतलब कि जो डब्ल्यू है तो वो भी इसी फ्लूड के थ्रू मूव करेगा और जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी जहाँ पर हमें डिफेंस की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर ये डब्ल्यू काम करना स्टार्ट कर देंगे तो सर्कुलेशन इसी सर्कुलेटिव फ्लूड के ज़रिए होगी जिस तरीके से हमने इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टडी किया हुआ है अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो उसमें से एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है और लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए लिम्फ सर्कुलेट करता है थ्रू आउट आवर बॉडी सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी करते हैं द सिस्टम बाई मीन्स ऑफ विच ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट वेरियस वाइटल मटीरियल टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी तो ब्लड के जरिए अगर कोई चीज़ हमारे सेल तक पहुँच रही है या सेल से अगर कोई आ, वेस्ट मटीरियल है या हार्मफुल मटीरियल है वो हमारे ब्लड में ऐड होकर हमारे ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इस सिस्टम को फिर हम बोल रहे होते इन इस नेटवर्क ऑफ पाइप्स को या जो जो भी चीज़ें इस सिस्टम uh, के अंदर इन्वॉल्व है तो वो हम पढ़ेंगे इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्ट्रेंस जिस तरीके से हमने कहा कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है इसमें से एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है अब इसमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं इसमें से कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं इसमें से एक है हार्ट हार्ट एक्चुअली में एक मसल से बना हुआ पावरफुल पंपिंग ऑर्गन होता है इसके अलावा हमारे ऐसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पाइप्स मौजूद रहते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स तो थ्री डिफरेंट तरह के पाइप्स मौजूद हैं उसमें से एक है आर्टरीज एक है वेन्स और एक है केपलरीज और इन पाइप्स के अंदर जो फ्लूड सर्कुलेट कर रहा होता है वो होता है ब्लड ब्लड के जरिए न्यूट्रिएंट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है और सर्कुलेटरी सिस्टम में एक हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है जिसके जरिए लिम्फ सर्कुलेट करता है इसको भी हम डिटेल हम स्टडी करेंगे तो सबसे सब पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम में मतलब कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इंसेक्ट्स uh, के अंदर पाया जाता है यहाँ पर आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि यहाँ पर हम जो ब्लड है जो इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ़्लो कर रहा है तो उसके अंदर आर मौजूद नहीं होते हैं तो अगर आर मौजूद नहीं है ब्लड के अंदर तो ब्लड का कलर फिर रेड नहीं होगा क्योंकि ब्लड का रेड कलर आर की वजह से ही होता है तो यहाँ पर ब्लड का कलर होता है वाइट और इस फ्लूड को फिर हम बोल रहे होते हैं हीमोलिम्फ तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जिस तरीके से उसका नाम हम इंडिकेट कर रहा है कि ये ओपन है तो ओपन कैसे होगा यहाँ पर हार्ट भी मौजूद है और यहाँ पर ब्लड पाइप्स भी मौजूद हैं लेकिन किसी किसी पॉइंट पर ये ब्लड पाइप्स ओपन हैं यहां पर आप देख भी सकते हैं ये पाइप यहाँ से ओपन है तो जो हिमोलिम है वो बाहर निकल आएगा इन पाइप से इसलिए हम इसको ओपन बोल रहे होते हैं अब बाहर निकला है और जो सेल्स हैं वो डूबे हुए हैं इसी फ्लूइड के अंदर पड़े हुए हैं तो जो सेल की रिक्वायरमेंट होगी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह इसको चाहिए होंगे वो इसी फ्लूइड से ये डिफ्यूजन के जरिए ले लेगा ले और जो चीज़ें इस सेल को नहीं चाहिए उसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में जो वेस्ट मटेरियल बन गया है तो वो इसी सेल से वापस ये जो इसके आउटसाइड फ्लूड मौजूद है तो इसमें ऐड हो जाएगा और फिर ये फ्इड यानी कि हिमोलेम दोबारा से किसी पाइप के अंदर एंटर हो जाएगा और हार्ट तक चला जाएगा तो एक सर्किट चलता रहेगा अब यहाँ पर एक दूसरा जो सिस्टम कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एज आ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम करोता है वो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं जिस तरीके से बर्ड्स प्टाइल्स है, है फिश या एम्फीबियंस वगैरह अब यहाँ पर क्लोज्ड है क्लोज का मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लड कभी भी अपने पाइप से बाहर नहीं निकलेगा और ये बात खास कर कर हम आर के हवाले से कर रहे हैं आर कभी अपने ब्लड पाइप से बाहर नहीं निकलेगा इसलिए हम इसको बोल रहे होते क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे पास एक ब्लड पाइप है यह है फ्लूड इनकी ब्लड और ये बड़े बड़े से जो मैंने बनाई हुई ये आर है और ये बाकी जो भी ब्लड के हैं और ये सेल्स हैं सेल के बाहर मौजूद होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जिसको हम सिंपली ई बोल रहे होते हैं तो यहाँ पर जो फ्लूड मौजूद है उसको हम ब्लड ही बोलेंगे क्योंकि इसमें आर मौजूद रहते हैं तो जो हमारे पास ब्लड वेसल है तो यहाँ से जो भी चीज़ें सेल को चाहिए होंगी तो वो बाहर निकलेंगी पहले इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में जो कि सेल के बाहर वाटरी मटीरियल मौजूद है इसमें ऐड हो जाएगा और फिर सेल तक सप्लाई हो जाएगा इसी तरीके से जो चीज़ें सेल को नहीं चाहिए होंगी जो चीज़ें उसके मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में एज अ वेस्ट मटेरियल बन जाएंगी वो पहले सेल से बाहर निकलेंगी डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में ऐड हो जाएंगी डिजॉल्व हो जाएंगी और फिर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के जरिए इन ब्लड पाइप्स का पार्ट बन जाएगी तो ये हमने टू टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी कर लिया तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखें हम इंशाल्लाह इन के जो मजीद मजीद टॉपिक्स है उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं